यूपी से आते हैं, यूपी में और अभी क्या चल, क्योंकि एक दो बच्चे उसको सब कुछ मिलेगा, असम से शुरू हुआ, चुनाव खत्म हो गया, फिर यूपी में भी आवाज लगा दी, ये सब अभी याद आ रहा है चुनाव के समय कि इसका मतलब क्या है कि लोग समझते हैं आपका नारा ठीक होगा कि कोई ना कोई पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए देश के अंदर, पर दो बच्चे लोग समझते हैं ये मुस्लिम के लिए कर रहे हैं आप। नहीं नहीं मैं ऐसे हिंदू फैमिली बहुत है जिनके छह छह बच्चे हैं अभी भी हैं। नहीं मैं बिल्कुल देखिए एक बात चाहिए, कोई भी देश क्या बेतहाशा बेरोक टोक जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज कर सकता है? क्या कोई भी देश हो नहीं कर सकता। हाँ, उसको हमें जागरूकता के माध्यम से, लोगों में जो है वो समझदारी पैदा करके करने के माध्यम से करना होगा, भोंडे ढंग से नहीं करना होगा, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। क्योंकि जैसे कि एक समय था इमरजेंसी का कि भोंडे ढंग से हुआ, आपने देखा क्या शुरू हुआ। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि असम के मुख्यमंत्री आपकी सरकार 5 साल वहां पहले भी रही, शर्मा साहब वहां भी हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, बड़े पावरफुल मिनिस्टर सारे आपके, कांग्रेस छोड़ के सबसे पावरफुल आपके पास हो गए, उनको चीफ मुख्यमंत्री जब थे वहां पहले उससे हेल्थ मिनिस्टर थे, तब दो बच्चों की बात याद क्यों नहीं आई? जब चुनाव यूपी का होने लगा फिर यूपी में स्टेटमेंट आ गई कि दो बच्चों की होनी चाहिए। तो इश्यू ये कि हर बार को आप ऐसा बना देते हैं ताकि कम्युनल एंगल हो जाए एक कि हम हिंदू मुसलमान के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाती थी, अगला बच्चा अभी नहीं, एक के बाद कभी नहीं, कभी नहीं, एक के बाद नहीं, दो के बाद, जो भी है, दो के बाद, तीन बार, जो भी होगा। किसी ने उसको कमनल कहा क्या? क्यों नहीं कमनल कहा भाई उसको? क्यों नहीं कहा कि ये अभी, क्योंकि उनको वो जो है वो कम्युनलिज्म की पराकाष्ठा कर दें, उस पर भी सेकुलर थप्पा आप लोग लगा देंगे। दूसरी चीज कि अगर बीजेपी की सरकार देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ करे तो उसमें भी जो है वो कम्युनल तड़का लग जाएगा। नहीं आपको लगता है कानून बनना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? कानून बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, लेकिन बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आपका तो एम्पावरमेंट, आपका बजट कम हो गया और बजट खर्च भी नहीं हुआ, कमेटी की रिपोर्ट। किसने बताया बजट कम हो गया? ये आपकी रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा हूं। बिल्कुल गलत है रिपोर्ट। मैं बिल्कुल आपकी साइट पे देखिए, 1000 कम हुआ फिर बढ़ा। नहीं नहीं अरे अभी बढ़ा घटा नहीं, आखिरी क्या है ये देखिए, आखिरी 1000 पहले, पर 2019 के मुकाबले में देखिए ये सरकार कोई भी चाहे सोशो मैं बता रहा हूँ, एम्पावरमेंट में पैसे की कमी नहीं है। 5000 करोड़ और कांग्रेस के समय क्या था? फिर गिनना पड़ेगा ना आपको, वहाँ पे 2000 करोड़ था, 5000 के ऊपर। अगर 2000 करोड़ को मोदी जी 5000 करोड़ से ऊपर ले जाते हैं, 5000 करोड़ का कैप नहीं है, स्पष्ट है कि ये सरकार में पैसे की कमी नहीं होगी। 3 साल में बजट कांस्टेंट है, पहले ज्यादा था, 1 साल कम हुआ फिर बढ़ा, यही है ना, बढ़ा लगातार बढ़ा। देखिए मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूँ, एक चीज खर्च नहीं हुआ पूरा, मैं प्रभु जी ये बात, खर्च नहीं हुआ ना पूरा, खर्च हुआ पूरा 2014 आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए, 99% ऐसे खर्च हुआ है। एक चीज देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, वहां पर जो है वो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको किसी ने कभी देखा क्या? हमने हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए, जो लगातार चल रहा है, कोविड पीरियड में बीच में रुका था लेकिन फिर अभी हुआ और फिर आने वाले दिनों में होने वाला है। एजुकेशन के मामले 5 करोड़ से ज्यादा हमने जो है वो स्कॉलरशिप दी, जो आपने भी बताया, ये स्कॉलरशिप से जो है वो ड्रॉप आउट घटा, लोगों को एजुकेशन मिला। एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन को इग्नोर आप नहीं कर सकते।